हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आप सभी को पता होगा कि हमने यूट्यूब चैनल पे कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी, जिसके अंदर हमने एक छोटा सा इंजन मंगवाया था, लगभग 30,000 रुपये का था वो। और उसको हमने यहाँ पर असेंबल भी कर लिया, लेकिन उसको हमें पता चला है कि उसको चलाने के लिए जो फ्यूल होता है, पेट्रोल होता है, वो नॉर्मल पेट्रोल नहीं चलता है। तो उसके लिए हमने एक अलग से पेट्रोल मंगवाया है। तो आज जो है डिलीवरी बॉय आ चुका है, हमारे घर के बाहर खड़ा हुआ है अभी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए वीडियो बना ले। और इस वाले इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, ये छोटा सा इंजन दिख रहा है आपको, इस इंजन के लिए हमने मंगवाया है, ठीक है। ये जो इंजन है, ये जो है लगभग 30,000 रुपये का इंजन है। और देख सकते हो इतना सा बड़ा इंजन है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो फाइनली चलते बाहर की साइड में, और लेके आ चुका है हमारे डिलीवरी बॉय, तो उसके पास ले लेते हैं वाला। फाइनली गाइस, यहाँ पर हमारे भैया आ चुके हैं। और ये उसको काफी टाइम में आए हो यार, लगभग मैंने 6 तारीख को इसको ऑर्डर करा था, काफी दिन हो चुके इसको आए। संडे मंडे के चक्कर में रुक चुका था काम। तो ओटीपी जनरेट कर दो फटाफट से यार, ठीक है, हो गया सब कुछ, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो फाइनली गाइस, ये हमारा आ चुका है फ्यूल। और ये जो है लगभग 1100 रुपए का मुझे पड़ा है, मतलब डिलीवरी के साथ में, और काफी ज्यादा महंगा है भाईयो। फाइनली इस बॉक्स को ले चलते हैं हमारे स्टूडियो के अंदर और देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। और भाईयो देख सकते हो यार, काफी बड़ी साइज का हमारा बॉक्स है। और यहाँ पर अभी स्टूडियो के अंदर जो है हमारा और प्रोजेक्ट भी चल रहा था, तो काफी सारा सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। ये क्या चीज है, ये हमारी आइसक्रीम जो होती है ना, उसको बनाने की मशीन मैंने बनाई है, काफी अच्छे से काम करती है। इसका वीडियो भी आ चुका है अपने यूट्यूब चैनल पे, मेन पे जाकर जरूर देखना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कैसे क्या आया है, ठीक है। और भाई ये जो है 1100 रुपए का मुझे पड़ा है, आपको एक बार बता दूं, क्योंकि काफी ज्यादा महंगा है ये। तो इसी इंजन को चलाएंगे, काफी छोटा सा इंजन है इसके अंदर। अब यहाँ पर ओपन करते हैं इसको, ये क्या आ गया इसके अंदर, ये कौन सा लॉक है, ये खाली बॉक्स से डाल रखे ताकि वो हिले नहीं, और जो ज्वलनशील चीजें तो क्या है आग वगैरह से सब को रुक जाते हैं, करो सारी पैकिंग कर रखे, नॉर्मल से पैकिंग करी, ज़्यादा कोई अच्छे से पैकिंग नहीं करी। और ये रहा हमारा नेट्रोफ्यूल, जो कि यहाँ से लगभग 1100 रुपये का। तो अब यहाँ पर बॉक्स को पैक करते हैं और इसको यहाँ पर चालू खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या क्या मिलता है, ठीक है। इसकी पैकिंग भी काफी अच्छे से कर रखी है इन्होंने। और कहाँ से आया ये, मैं भूल गया, बेंगलोर से मंगवाया है भाई इसको, बेंगलोर से। ये हमारा आसपास मिल ही नहीं रहा था, और बहुत सारी जगह पर मैंने सर्च करा, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, इन सब पे देखा, तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं था ये, तो दूसरी वेबसाइट से मंगवाया। और आपको मंगवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। ये रहा हमारा, और ये जो होता है भाई, ये जो है 20% इसके अंदर नाइट्रो है। और इसके अंदर जो हमारा जो एरोप्लेन होता है, वो एरोप्लेन जो होता है लगभग उसके अंदर यहाँ पर 5% वाला होता है। अब यहाँ पर इसकी MRP आप देखिए 760 रुपये है, लेकिन भाई यहाँ पर इसको जो है वहाँ से मंगवाने में और इसका जो है डिलीवरी चार्ज वगैरह सारा मिलाकर उसके 1100 रुपये पड़ा है। शायद एक बार देख लेते हैं, इसका बिल कम पड़ा हुआ है, 1100 का था या कितने का था भूल गया भाई। उसको आने में काफी टाइम लगा, लगभग मैंने इसको 6 तारीख को ऑर्डर किया था, वो 6 के बाद आज आ रहा है, आज लगभग किसी 12-15 तारीख 16 तारीख आज भाई, वो काफी दिन हो चुके हैं इसको आने में। तो भाई देखो यहाँ पर आप देखो, तो इसका 900 रुपए का हमारा रेट जोड़ रखा है, MRP से ज्यादा ही जोड़ रखा है इसके अंदर, लेकिन क्या पता क्या हुआ, GST सब कुछ लगाकर यहाँ पर 1062 रुपए हो चुका है, 100 रुपए का बढ़ाइए, और मतलब 1100 में 38 रुपए तो कम है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये 1100 से ज्यादा महंगा पड़ा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 900 ml है, 800 ml है, तो यहाँ पर ये जो है पूरा 1 लीटर भी नहीं है, मुझे लग रहा है इसमें 1 लीटर से भी कम है। यहाँ पर इसका पूरा जो है दिया गया है कैलकुलेशन, यहाँ पर कितना इसके अंदर फ्यूल बचा हुआ है, एक बार इसको खोल कर देखते हैं इसके अंदर जो फ्यूल निकल रहा है उसकी स्मेल कैसी है, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एयर टाइट कर रखा है इसको, ताकि ये क्या उड़ जाता होगा ना, पेट्रोल जैसे उड़ता होगा, ये भी इसकी स्मेल देखते हैं कैसी है, पेट्रोल जैसी आती है, डीजल जैसी आती है, किस टाइप की आती है, काफी टाइट कर रखा है यार इसको, जा इसके अंदर एक ढक्कन दे रखा है, तो डीजे भाई ढक्कन हमारा खोल दिया हमने, इसकी स्मेल है ना बिल्कुल केमिकल जैसे आ रही, बहुत ज्यादा खतरनाक स्मेल है, एक बार तो सुनते थे मेरा डर लग रहा है। इसकी स्मेल जो है ना बिल्कुल ऐसी केमिकल जैसी, कोई होता ना पेंट केमिकल होता ना बहुत भयंकर,
बहुत भयंकर है, एक बार तू सुन के देख, मैं आपको सुनाता है। अरे बहुत बुरी बात है इसकी तो। नाक में चढ़ जाती है बिल्कुल एकदम से। वैसे यार ये जो है ना काफी खतरनाक चीज है, इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं। तो इसका इस इंजन का वो टंकी देता हूँ, फ्यूल टंकी दिखाता हूँ आपको इसका। इसका जो है ना, इसका भी एक टंकी होता है जिसके अंदर हमारा फ्यूल रखा जाएगा। तो ये रहा इसका टंकी, देख सकते हो इतनी छोटी सी टंकी है इसकी, और इस टंकी के अंदर जो हमारा फ्यूल डालेगा, मतलब पूरी टंकी भर दो इसका, और इस इंजन से अगर हमने कार बनाई तो लगभग 5 किलोमीटर तक चली जाएगी इससे एक बार भरने पर इसके। तो आप देख सकते हो कि यार छोटी सी टंकी है, फ्यूल काफी ज्यादा है इसके अंदर, लगभग 1 लीटर है, लेकिन यार ये काफी ज्यादा चल जाएगा इसके अंदर। और ये इतना सा बड़ा इंजन है, आप देख सकते हो इतनी बड़ी टंकी है, तो हमारा इंजन भी छोटा सा इसके अंदर, और इसके अंदर हमारा फ्यूल चला जाएगा। यहाँ पर ढक्कन ये खुल जाएगा इस टाइप से। तो अभी इसका जो प्रोजेक्ट बाकी है, अभी इस फ्यूल के चक्कर में हमने रोक रखा था, इसका प्लेटफॉर्म ये रहा, और अभी बस सारा का सारा सेट है इसको अंदर, इसके अंदर फिट करना है। यहाँ पर ये इंजन इस टाइप से लग जाएगा, यहाँ पे फ्यूल टंकी लग जाएगी, और इससे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जो कि आपको वीडियो मिलेगी अपने यूट्यूब चैनल पे, मिस्टर धारुण यूट्यूब चैनल पे। तो भाई यही थी हमारी अपडेट की, हमारा जो फ्यूल है काफी ज्यादा महंगा है इसका, और मैंने सोचा कि इसको पेट्रोल से चला सकते हैं, लेकिन पेट्रोल से नहीं चलता ये। इसको मंगवाने के बाद मैंने सोचा कि इसको पेट्रोल चलाएंगे, लेकिन मुझे पता चला कि इसका जो फ्यूल आता है वो 1100 रुपए लीटर का है, तो काफी ज्यादा महंगा है। तो भाई आपको अगर ये वाली वीडियो देखनी है, इस इंजन को चालू करके देखने वाला है, तो उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल पे जाना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग के अंदर। ठीक है, बाय एवरीबॉडी।